खरगोन जिले के सेगावा में पिछले 3 वर्षों से आधे अधूरे पड़े पुल का काम आज फिर नगर के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की आम सहमति से शुरू होगा। इस संबंध में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि बारोड नदी पर पुल के अधूरे पड़े रहने के 2 कारण थे। इस निर्माण के समीप आने वाली भूस्वामियों का आपत्ति थी। दूसरा कारण माताजी मंदिर और गौशाला के आने वाले वाहनों को 12 और 15 फीट ऊँचा रास्ता चाहिए था। वह दोनों बातें आम सहमति से मान ली गई। जल्द ही पुल काम शुरू हो जाएगा। वहीं विभाग के SDO DD रत्ने ने बताया कि ड्राइंग बदल चुकी है, वहीं नई ड्राइंग के साथ काम शुरू होगा। दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर जनप्रतिनिधि हीरालाल पाटीदार, राजेंद्र सिंह मंडोई, संतोष राठौर, राकेश पटेल, पंडितनाथ गुप्ता, दिनेश बाबा मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, ये जो पुल में बनने में समस्या आ रही थी गाँव वालों को, उसका क्या निराकरण करवाया आपने? क्योंकि पुल निर्माण के संबंध में 2 तरह की समस्याएं थी। एक तो जो पड़ोस में कृषक थे उनकी ज़मीन के संबंध में थोड़ा सा विवाद था, उसका सीमांकन करके उसकी सीमाएं कायम कर दी गई। और दूसरा, जो लालबाई फुलबाई माता मंदिर की ओर जाने का जो रास्ता था, उसमें जो गौशाला है वहाँ पे जाने की जो ट्रक की हाइट होती है लगभग 15 फीट के लगभग होती है हाइट में, उनको जाने के रास्ते की प्रॉब्लम होने के कारण इनसे संपर्क करके उसकी ड्राइंग चेंज करवाई गई। यहाँ 2 तरह के रास्ते रहेंगे, एक 12 फीट हाइट का रहेगा, दूसरी तरफ 15 फीट हाइट का रहेगा और टोटल रास्ता पर्याप्त चौड़ाई का रहेगा। चौड़ाई कितनी रहेगी? रास्ते की चौड़ाई इधर 12 फीट वाले में करीब 10-12 फीट रहेगी और वो 15 फीट वाला है वो 20 फीट के करीब चौड़ा रहेगा। क्या नाम है? राधेश्याम पाटीदार, तहसीलदार सेगा। काम बंद था, क्या कारण बताया आपने सर? कुछ समस्याएं थी मंदिर में जाने के लिए, अंडरपास के रास्ता क्लियरेंस का हाइट कम थी, उसकी ड्राइंग चेंज कराई, रिवाइज कराई, उसको सेंक्शन कराया, तो उसकी मंजूरी के बाद। क्या गांव वालों की जो समस्या उसको प्राथमिकता से लेंगे आप? हाँ, प्राथमिकता से ले लिया गया है उनको। अभी जो समस्याएं बताई हैं उसका अंडरपास का क्लियरेंस सही जो मिलता है उससे कर दिया जाएगा। तो ये काम कब तक चलेगा सर? ये दिसंबर में पूरा कर देंगे। क्या नाम लिखते सर आप? DD रत्नेल। क्या हो सर आप? SDO। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।